गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का आखिरी दिन है हमारे कल के इवेंट के लिए। कल जो सत्कार होटल में होने वाला है हमारा बीएचयू गुरुकुल का मीटिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया इवेंट होने वाला है। देखो ये वीडियो मैंने हमारे स्पीकर्स के लिए भी बनाया है और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी बनाया है, तो सबको ये जानकारी आने वाली है। थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बता देता हूँ कि क्या फॉर्मेट होगा। ठीक, वैसे हमारी बीएडीवी की टीम तो 7 बजे वहां पे पहुंच जाएगी, 7 बजे से लेकर हम वहां पे हॉल के अंदर तैयार रहेंगे। लेकिन आप कोशिश करना, देखो मुंबई है तो मुंबई की ट्रैफिक जो है हमेशा तकलीफ देती है हमको, और हमारे पास हमेशा रीजन रहता है कि ट्रैफिक की वजह से हम लेट हो गए। लेकिन यकीन मानिए बीएडीवी गुरुकुल की मीटिंग .8 बजे शुरू हो जाएगी, मतलब 7:59 के बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनीबडी। ठीक है, तो दिमाग में ऐसे नहीं रखना, कई बार ऐसे सुनने मिलता है कि अरे यार इंश्योरेंस ये लाइफ इंश्योरेंस की मीटिंग है ना तो आधा घंटा लेट ही शुरू होगी, वो हिसाब से चलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, .7:59 के बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनीबडी। हमारे सामने एक व्यक्ति होगा तो उसके साथ भी हम मीटिंग शुरू कर देंगे। तो ये हमने एक हैबिट बनाई, पंचुअलिटी हमने एक हैबिट बनाई। तो आपको एक सबसे बड़ी मुश्किल जो रहेगी, जिसको आपको फेस करना है, वो है ट्रैफिक। तो आप अपना टारगेट ही ऐसे बनाइए कि आपको 7:45 तक पहुंचना है, यू नो। तो 7:50 को मैक्सिमम आपने पहुंचना है, 7:50 से लेकर जो है वो 8:05 तक हमारा जो टाइम है वो है यू नो स्पीकर्स के साथ में बातचीत करने का टाइम, यू नो 7:50 से लेकर 8:05 तक ये जो हमने टाइम रखा है वो स्पीकर के साथ में बातचीत करने का टाइम, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, यू नो ठीक 8 बजे। तो स्पीकर्स आई रिक्वेस्ट यू, आप ऐसा मत सोचना कि आपको 10 बजे आपकी स्पीच है तो आप 10 बजे यू नो 10 बजे का प्लान बनाए। नहीं, आपका जो जो रोल है इट स्टार्ट शार्प एट 7:50, तो 7:50 को योर रोल स्टार्ट्स एंड 8:05 तक जो है पार्टिसिपेंट्स आपके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, यू नो 8:05 से लेकर 9 बजे तक का जो समय होगा वहां पर हम जो है लाइव वीडियो डेमो करके बताएंगे। तो किस प्रकार से दूसरे इंश्योरेंस एजेंट्स जो हैं वो अपने वीडियो बनाते हैं, कैसे अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं, कैसे कैमरा को फेस करते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं, यू नो ये लाइव डेमो करके दिखाया जाएगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ठीक 9 बजे से लेकर 9:40 तक ग्रुप डिस्कशन हो, अलग अलग ग्रुप बना दिए जाएंगे और ग्रुप्स के बीच में जो है वो ग्रुप डिस्कशन होगा, सबको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पर फिर वो अलग ग्रुप जो है वो अपनी तैयारी करेगा और फिर डिलीवर भी करेगा, यू नो किसी एक उनका एक लीडर होगा जो लीडर स्टेज पर आकर उसको डिलीवर भी करेगा। उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक होगा, यानी कि 10 बजे तक ब्रेक चलेगा। और एक चीज मैं सबको बोलना चाहता हूँ, बहुत रिलैक्स्ड होकर ब्रेकफास्ट नहीं करना, बहुत रिलैक्स्ड होकर ब्रेकफास्ट नहीं करना, क्योंकि जनरली लोग जो है 9:20 के 10 बजे के आगे चले जाते हैं। तो वी हैव नॉट कम देयर टू हैव ब्रेकफास्ट, हमारा पर्पस कुछ अलग है। तो 20 मिनट में आपने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो खत्म करना है। तो पहले से ही माइंड को कमांड देके रखना कि भाई मेरे पास 20 मिनट ही है। जनरली हम लोग खाना लेते हैं बातचीत करते हैं, खाना लेते हैं बातचीत करते हैं, उसमें बहुत समय चले जाता है। यू नो यू विल गो देयर, यू विल हैव योर ब्रेकफास्ट, 20 मिनट में यू विल फिनिश योर ब्रेकफास्ट और ठीक 10 बजे फिर हम जो है हमारी मीटिंग फिर से शुरू करेंगे, जहां पर स्पीकर्स जो है स्पीकर्स को 15 मिनट दिए जाएंगे। एवरी स्पीकर विल गेट 15 मिनट्स टू टॉक। सो कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर्स जो है वो भूल जाते हैं कि उनको 15 मिनट्स ही हैं और वो एक्सटेंड कर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर प्रोग्राम जो है उसका शेड्यूल पूरा खराब हो जाता है। हालांकि वहां पर अलार्म हम रखेंगे और अलार्म में आपको 2-3 बार रिमाइंड कराएंगे कि ना 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो रिमाइंडर का अरेंजमेंट हम करेंगे। लेकिन आप प्लीज अपना प्रैक्टिस वो हिसाब से कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा सा फास्ट मूव करना पड़े वहां पर, यू नो, या फिर आपको अपनी स्पीच थोड़ी बीच में काटनी पड़े या फिर लंबी हो जाए, फिर टाइम शेड्यूल पूरा खराब हो जाए, यू नो। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप 15 मिनट में आपको जो नॉलेज देना है, आपके सामने जो पार्टिसिपेंट्स है, जो ज्ञान आप देना चाहते हैं, वो 15 मिनट्स में आप यू नो वो कंप्लीट करें। सो इस प्रकार से 15-15 मिनट 4 स्पीकर, तो 1 घंटा उसमें चला गया, यानी कि 10 से लेकर 11 बजे तक का ये समय हो गया। 11 बजे के बाद में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहते हैं बीएटीवी गुरुकुल के बारे में, तो उसके बारे में बताते बताते जो है वो करीबन आधा घंटा जो है हम उसके बारे में बताएंगे।
और उसके बाद फिर अगेन जो है हमारा जो समय रहेगा 10-15 मिनट का, जो भी हमें मौका मिलता है वो हमारा इंटरेक्शन का मौका रहेगा। तो स्पीकर्स के साथ में इंटरेक्शन करना, उनसे बातचीत करना, कुछ प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर लेना, तो ये सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि मेरी स्पीच जो एंड में मेरी आधे घंटे की स्पीच रहेगी जहाँ पर मैं पूरे BATP ग्रुप कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँगा और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, नहीं, हम थोड़ा आधा घंटा हम सब रुकेंगे। आई विल रिक्वेस्ट ऑल स्पीकर्स कि आप, और सभी पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा आधा घंटा उस माहौल में रहें। बहुत ही एनर्जेटिक माहौल वो बन जाएगा, बहुत ही पॉजिटिव माहौल वो बन जाएगा। उस माहौल में आप लोग करीबन आधा घंटा आप रहें और स्पीकर्स के साथ में इंटरेक्ट करें। स्पीकर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 12 बजे तक जो है वो उस हॉल में रहें ही रहें, 12 बजे के बाद में दे कैन मेक अ प्लान टू लीव फ्रॉम देयर, लेकिन कम से कम 12 बजे तक आप उस हॉल में रहिए, 12:15-12 बजे तक, 12:15 बजे के आगे का प्लान बनाइए मूव करने का, सो दैट पार्टिसिपेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ यू, वो आपसे इंटरेक्ट कर सके, आपसे बातचीत कर सके। तो कल हम मिलेंगे ठीक 7:50 पर, और यकीन मानिए कल का दिन बहुत, सारे पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि कल का दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा, और इट इज़ गोइंग टू बी अ वैल्यूएबल डे फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच।